الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله او كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب العزة کا बेहद शुक्र और एहसान है, अल्लाह ताला की तौफीक और उसके फजल से आज हमारी इशा की ये दूसरी नशिश्त है। गुज़िश्ता कल की नशिश्त में ये अर्ज़ किया गया कि हमें एतकाफ़ के जो शब व रोज़ हैं इसे किस तरह से गुजारना है और अपने इस वक्त को किस तरह से कीमती बनाना है, अपनी ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीली लानी है और ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए हमें खलवतों में बैठकर, तन्हाई में बैठकर अपने बारे में सोचना है और ये सोचना है कि जैसा हम अपने आप को समझते हैं ऐसा हम है नहीं। फिर क्या है, फिर हकीकत खुलकर सामने आती है कि अल्लाह की मखलूक में सब अच्छे हैं और मैं अल्लाह की मखलूक में सबसे बुरा हूं, सब मुझसे अच्छे हैं। बस ये चीज जब इंसान के अंदर पैदा हो जाती है ना कि सब मुझसे अच्छे और मैं सबसे बुरा हूं, तो फिर बहुत सी हकीकतें उसके दिल पर मुनकशिफ होती है, बहुत से असरार, बहुत से रुमूज दिल पर मुनकशिफ होने लगते हैं। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक बात फरमाई और हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शख्स हैं,
कि हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरतबा थाना भवन पहुंचे खानकाह में, तो ठहरने का इरादा नहीं था। हजरत हाजी साहब ने कहा कि मियां ठहर जाओ, कल चले जाना। तो ठहर गए। कहा कि जी मैं यहां ठहरूंगा और रात को यहां खानकाह में लोग तहज्जुद के वक्त उठ जाते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, मेरी तो नींद खराब होगी, मुझे तो सुबह जाके सबक भी पढ़ाना है। फरमाया कि तुम सोते रहो, तुम जिक्र अस्कार ना कर लो। अब जब रात हुई, रात का आखिर हिस्सा हुआ, तो लोग खानकाह में बेदार हुए और बेदार होकर जब लोग जिक्र अस्कार शुरू किए, तो अब दिल अंदर से बेचैन हुआ और बेचैन हुआ तो खुद भी वजू किया, कुछ नमाज तहज्जुद की पढ़ी और जिक्र अस्कार शुरू कर दी। तो हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह सब कुछ देख रहे थे। तो हजरत हाजी साहब ने फरमाया कि भाई मियां रशीद अहमद, अगर जिक्र करना ही है तो सीख कर करो। और फिर हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर ठहर गए और एक महीने तक ठहरे रहे। ठहरने के इरादे से नहीं आए थे, एक महीने तक ठहरे रहे। एक मर्तबा हजरत हाजी साहब के पीर भाई थे हाफिज जामिन शहीद, उन्होंने कहा कि हाजी साहब ये लड़का जो गंगोह से आया है इसको बड़ा मुंह लगा रखा है, अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते रहो, इतना मुंह लगा रखा है। तो हजरत हाजी साहब ने फरमाया कि भाई है तो इस काबिल कि रोटी पर सालन रख दूं, इसके हाथ में पकड़ा दूं और कह दूं कि जा खाता फिर, यानी मेरी शफकत है कि अपने साथ बिठाकर खिला रहा हूं। और खाली कहा नहीं, चेहरे के तासुरात भी देखे कि आज अगर किसी से कह दिया जाए कि मियां तुम्हारी तो ये हैसियत है कि तुम्हारे हाथ पे रोटी पर सालन रख के दे दिया जाए कि जाओ खाओ, कितना बुरा लगेगा, कितने चेहरे के पर तगयुरात से आएंगे। लेकिन जिसके अंदर फना आ जाती है ना, फना जो अपनी अना को मिटा देता है, जिसके अंदर ये हकीकत खुलकर सामने आती है, मुनकशिफ होती है, मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर उसे बुरा नहीं लगता, उसके चेहरे के तासुरात तब्दील नहीं होते, उसमें कोई तगयुरात पैदा नहीं होते, बस खाली कहा नहीं, चेहरे के तासुरात भी देखे कि क्या है। लेकिन वही बात कि एक महीने तक जिक्र अस्कार किए, खानकाह के माहौल में रहे, अब अंदर फना आ चुकी थी। और उसके बाद जब रुख्सत होने लगे, हजरत हाजी साहब ने खिलाफत अता फरमा दी। आज बहुत से लोग इस वजह से तरक्की से रुके हुए होते हैं कि बैत होने के बाद अपने को सूफी समझने लगते हैं। चंद दिन जिक्र अस्कार किए, एक तरफो की शान उनके अंदर पैदा हो जाती है, तरफो रफत, हालांकि अभी कुछ भी नहीं है, अपने को कुछ समझने लगता है। और बहुत से लोग इस बात के मुंतजर होते हैं कि कब खिलाफत मिले। तो बैत से तो ये मकसूद है ही नहीं कि इजाजत और खिलाफत का मिल जाना ये कोई कस्बी चीज नहीं, वाहबी है, ये तो अल्लाह की तरफ से है, मिन जानी बिल्ला है, इसका इंतजार कैसा। ये शख्स भी अपनी इस्लाह के अंदर रुकावट का शिकार हो जाता है। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स 10 बरस तक रहा और फिर कहा कि हजरत मैं तो जा रहा हूं। पूछा भाई क्यों जा रहा है, आया किस लिए था, आने से तेरी नीयत क्या थी, इरादा क्या था। क्योंकि इंसान की जो नीयत है ना, हदीस में आता है उसकी नीयत उसके अमल से बेहतर है, और नीयत का जो असर है वो इंसान के अमल पे पड़ता है।
और उस इंसान को उसकी नीयत का फल मिलता है, अमल का फल नहीं मिलता, नीयत का फल मिलता है। पूछा किस इरादे से आया था, तेरी नीयत क्या थी? कहा जी मैं तो इसलिए आया था, इसलिए बैत हुआ था कि कुछ दिन आपके पास रहूंगा आपसे बैत करके, और कुछ दिन के बाद मुझे भी इजाजत हो जाएगी, फिर जैसे लोग आपकी खिदमत करते हैं मेरी भी खिदमत करेंगे, जैसे लोग आपको हदिया देते हैं ऐसे मुझे भी हदिया देंगे। फरमाया कि जा भाई, अब तेरे जाने का गम नहीं है, तू तो शिर्क में मुब्तला था पहले ही से, तू तो शिर्क में मुब्तला था। तो असल चीज तो फना है, फना। मैं यस कर रहा हूं कि यहां आने के बाद, अल्लाह के घर में बैठने के बाद, इस यकसुई के बाद कि ना यह घर है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कारोबार है, ना मुलाजमत है, कोई चीज नहीं, कोई मसरूफियत नहीं, तो हमें अपनी अंदर की कैफियत का जायजा लेना चाहिए कि इसमें कोई फना भी आई या नहीं आई। और यहां से मैं बकसम ये बात कहता हूं कि सबसे बड़ा सबक जो ले जाने के लिए है वो फना का सबक, फना का सबक, कि हम अपनी अना को दफन करके जाएं और अल्लाह के इस घर से फना का तोहफा लेकर जाएं। और जो अपनी अना को दफन करके गया और फना का तोहफा यहां से लेकर गया, फना अपने साथ ले गया, आजजी इनकिसारी अपने साथ ले गया, वल्लाह वो नवाजा गया, वो नवाजा गया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि किसान जब गंदम जमीन में डालता है ना, गंदम का दाना, तो फिर एक छोटी सी कोंपल बाहर आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कोंपल बढ़ने लगती है, फिर एक पूरा पौधा बन जाता है, पौधे पर फल आने लगते हैं और एक दाने से सैकड़ों दाने निकल आते हैं। लेकिन कोई देखे उसकी जड़ों में जाकर, जमीन को खोलकर, वो एक दाना कहां है, वो दाना कहां है, वो दाना कहीं भी नहीं है, अपनी हस्ती को मिटा चुका है। जब उस दाने ने अपनी हस्ती को मिटाया तो जभी तो ये सारी बहार नजर आई, ये जो लहलहाता हुआ खेत नजर आ रहा है, सर सब्दो शादाब खेत नजर आ रहा है, इसका सबब यही है कि उस दाने ने अपनी हस्ती को मिटाया है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि वो दाना अगर अपनी हस्ती को ना मिटाए, उसी तरह वो जमीन के अंदर पड़ा रहे, कभी भी फसल निकल के बाहर ना आए। तो पहले वो अपनी हस्ती को मिटाता है, उसके बाद कुछ इंसान के अंदर से, इंसान जब अपनी हस्ती को मिटाता है ना, फिर इसके अंदर कोई बाग बहार पैदा होती है, उससे पहले तो बंजर जमीन है। और ये अपने को बहुत कुछ समझा बैठा है, ये समझ रहा है कि मुझसे बड़ा सूफी कोई नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, खाली लिफाफा है, कुछ भी नहीं है। तू को इतना मिटा के तू न रहे, है ना, मैं हर बात में मैं, तू को इतना मिटा के तू न रहे, तेरी हस्ती का रंग बू न रहे। यानी ऐसा हो जाए कि जैसे इंसान दुनिया में है ही नहीं, इतना ख्वाहिशात को फना कर दे, इतना अपनी अना को छोटा कर ले कि तू को इतना मिटा के तू न रहे, तेरी हस्ती का रंग बू न रहे। और हू में ऐसा कमाल पैदा कर, और हू में ऐसा कमाल पैदा कर कि हू तो रहे तू न रहे। यानी अल्लाह के जिक्र में इतना कमाल पैदा कर कि अल्लाह का जिक्र तो रहे लेकिन तेरी हस्ती बाकी ना रहे। और ऐसा ही होता है कि जब जाकिर जिक्र करता है और कसरत जिक्र से वो जिक्र उसके रगो पह के अंदर सराइयत करता है, एक वक्त ऐसा आता है कि जाकिर की जात भी बीच में बाकी नहीं रहती, सिर्फ मस्कूर बाकी रह जाता है। तो हू में ऐसा कमाल पैदा कर कि हू तो रहे तू ना रहे। तो असल चीज तो अपने को मिटाना है,
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیجئے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، اولیاء امت کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، سب سے بڑا سبق ملتا ہے تواضع کا، ملتا ہے عاجزی کا، ملتا ہے انکساری کا، ملتا ہے جذباتیت کا نہیں ملتا، غصے کا نہیں ملتا، کسی مرتبے اور عہدے کی چاہت کا نہیں ملتا، وہاں تو فنائیت کا سبق ملتا ہے۔ کس درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے کہ ایک یہودی آپ کا مہمان ہوتا ہے، رات کو وہ ساری بکریوں کا دودھ پی جاتا ہے، اور پھر رات کو جب سوتا ہے تو اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، سارا بستر نجس کر کے اور وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کون ہے دو جہاں کے سردار ہیں، وجہ خلق کائنات ہیں، تمام انبیاء کے سردار، سید الاولین بھی ہیں سید الآخرین بھی ہیں، کہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن کیفیت کیا ہے کہ اس یہودی کی نجاست کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں جبکہ جان نثار صحابہ موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہم یہ کام کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، مہمان تو میرا تھا، مہمان تو میرا تھا۔ وہ یہودی اپنی کوئی چیز بھول جاتا ہے، جب وہ لینے کے لیے واپس آتا ہے اور یہ منظر جب وہ دیکھتا ہے اس کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لے آتا۔ تو اسلام تو آپ کے اخلاق سے پھیلا ہے، اور آپ کے اخلاق میں بھی آپ کی تواضع سے پھیلا ہے۔ آج بھی اگر ہم اس تواضع کو اختیار کر لیں، عاجزی کو اختیار کر لیں، انکساری کو اختیار کر لیں، تو آج کسی غیر مسلم کو یہ کہنا نہ پڑے کہ کلمہ پڑھو، وہ ہم کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ غیر مسلم تو کیا کلمہ پڑھے گا، اپنے بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہماری انا کی وجہ سے، سختی، تلخی، غصہ، جذباتیت، کسی کی بات کا برداشت نہ کرنا۔ آخر کیوں ہے؟ اسی لیے کہ انا ہماری بہت بڑی ہے۔ اس انا کا علاج کیا ہے؟ اس انا کا علاج تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اور جب کوئی اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے نا، اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفع اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ وہ مٹانا اللہ کے لیے ہو، وہ للہ ہو، للنفس نہ ہو، وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اپنے کو مٹائے۔ اور جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے نا، تو پھر اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اپنے کو مٹایا ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اگر انسان یہ محسوس کرے کہ میں متواضع ہوں، میرے اندر تواضع ہے، میرے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، نہیں، یہ تو دعویٰ ہو گیا۔ وہاں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جتنی تواضع بڑھتی جاتی ہے، انکساری بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی اس کے اندر ایک ڈر، ایک خوف، ایک خشیت بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ علامت تعلق مع اللہ کی ہوتی ہے، کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے تعلق کی دولت ہے، کہ اللہ کی عظمت اور کبریائی پر نظر جاتی ہے، کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے، وہی حقیقت اس کے اندر ہوتی ہے کہ بھائی سب مجھ سے اچھے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے شخص، ندوۃ العلماء کے رئیس تھے لکھنؤ کے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ گئے، چند دن رہے خانقاہ میں، اور پھر اس کے بعد رخصت ہونے لگے، تو رخصتی کے وقت کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرماتے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اتنے بڑے علامہ کو میں کیا نصیحت کروں، یہ خود اتنے بڑے عالم ہیں،
कि उस जमाने में जब अंग्रेज की हुकूमत थी तो सरकारी सतह पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करके बाहर जाते थे, गैर ममालिक के दौरे करते थे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता था, 21 तोपों की सलामी मिलती थी, इतने बड़े शख्स हैं। तो मैं इन्हें क्या नसीहत करूं? फिर वही बात के जब अल्लाह के लिए ताल्लुक होता है ना, अल्लाह के लिए जिसमें कोई जाती गर्ज वापस्ता नहीं होती, अल्लाह की फिर मदद आती है। फरमाया कि अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने फौरन दिल के अंदर बात डाली और कहा कि सैयद साहब, हमने तो अपने बड़ों से एक ही बात सीखी है, एक ही सबक सीखा है, और वो सबक ये है कि जहां तक हो सके अपने को मिटा देना चाहिए, जहां तक हो सके अपने को मिटा देना चाहिए। बस ये सुनना था, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की रिक्कत की कैफियत आ रही हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि नसीहत उनके हस्बे हाल थी। और फिर सैयद साहब ने कैसा अपने को मिटाया, कैसा अपने को पामाल किया, क्यों देखकर यह नहीं कह सकता था कि इतना बड़ा यह शख्स है और कितना यह मुतवाजे है। तो भाई, इंसान को जो कुछ मिलता है ना, वो तवाजो से मिलता है, वो आजीजी से मिलता है, इनकिसारी से मिलता है। आज औलिया उम्मत के जो वाकयात हम पढ़ते हैं, इज्जत और एहतराम से उनका नाम लेते हैं, तो किस चीज ने उनको मुआशरे के अंदर मुमताज किया? यही तवाजो थी, यही अल्लाह के लिए मिटाना था कि अल्लाह के लिए अपने को मिटाया, आजिजी इनकिसारी को अख्तियार किया, अल्लाह ने उनको चमका दिया कि आज वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन आज उनके तस्करे दुनिया के अंदर मौजूद हैं। शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हैं, दिल्ली में बादशाह ने दावत पर बुलाया, बहुत कीमती लिबास पहनकर अपने खादिम के साथ बादशाह के दरबार की तरफ जा रहे थे, बादशाह की दावत में जा रहे थे। इतने में देखा कि रास्ते में एक कुत्ता कीचड़ में पड़ा है और खारिश ज्यादा उसका कुत्ते का बच्चा है, कीचड़ में है, खारिश ज्यादा उसका बदन है, जख्मी जिस्म है। देखकर तरस आ गया कि भाई कुत्ता है तो क्या हुआ, है तो अल्लाह की मखलूक। तो खादिम से कहा कि भाई इसको जरा निकाल लो, इसको धोकर जरा साफ कर ले। तो खादिम जरा हिचकिचाया कि कीचड़ में कैसे हाथ डालकर, और हाथ डालकर भी कुत्ते को बाहर निकालो। तो शाह साहब खुद आगे झुके, उस कुत्ते के बच्चे को कीचड़ से निकाला, उसे धोया, साफ किया, फिर उसके बाद उसके मरहम लगाया। चंद दिन के बाद वो ठीक हो गया, वो भी कहीं गायब हो गया, वाकया भी आया गया हो गया। फिर एक वाकया दूसरा ये पेश आया कि एक मर्तबा कहीं खेतों में से गुजर रहे थे, चावल की जब फसल होती है ना तो पतली सी पगडंडी होती है और दोनों तरफ पानी खड़ा होता है चावल की फसल में, तो उस पगडंडी पर गुजर रहे थे, सामने से कुत्ता आ गया। अब रास्ता इतना है कि एक ही बंदा गुजर सकता है, दो नहीं गुजर सकते। अब आलम कश में कुत्ते से मुकालमा शुरू हो गया। शाह साहब ने कहा कि भाई तू नीचे उतर जा, मुझे रास्ता दे दे। उसने कहा जी आप मुझे रास्ता दे दे, मैं नीचे क्यों उतर जाऊं, आप मुझे रास्ता दे दे। इन्होंने कहा कि तू तो मुकल्लफ मखलूक नहीं है, अगर मैं नीचे उतरूंगा मेरे कपड़े नापाक होंगे, मुझे कपड़े पाक करने पड़ेंगे, और तू नीचे अगर उतर गया तो तेरे तो नापाकी का कोई असर नहीं होगा, इसलिए तू मुझे रास्ता दे दे। उस कुत्ते ने कहा, उसने कहा कि जी ठीक है, मैं अगर नीचे उतर, आप अगर नीचे उतर गए तो आपके कपड़े नापाक होंगे, आपका बदन नापाक होगा, लेकिन अगर मैं नीचे उतर गया तो फिर आपका दिल नापाक हो जाएगा, दिल नापाक हो जाएगा,
और अगर दिल नापाक हो गया, कपड़े नापाक हुए, बदन नापाक हुआ, थोड़े से पानी से पाक हो जाएगा। लेकिन अगर दिल नापाक हो गया तो सात समंदर से भी पाक नहीं होगा। बस ये सुनना था, शाह साहब नीचे उतर गए, कुत्ते को रास्ता दे दिया। जब उसको रास्ता दिया वो गुजर गया। फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इल्म अजीम अता फरमाया, अल्लाह ने मुझे इल्म अजीम अता फरमाया। और वो इल्म अजीम क्या था? वो इल्म अजीम ये था, अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि ये तुम्हें इल्म अजीम दिया जा रहा है ना, किस लिए दिया जा रहा है? इसलिए कि तुमने एक मर्तबा इस कुत्ते की जिंस पर एहसान किया था। कब? उस जख्मी कुत्ते का इलाज किया था, वो कीचड़ से उसको निकाला था। इस कुत्ते की जिंस पर तुमने एक मर्तबा एहसान किया था, हमने उसके एहसान का बदला इस कुत्ते की जिंस से अदा करा दिया। तुम्हें इल्म अजीम अता किया और वो इल्म अजीम ये अता किया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। यह इल्म अजीम अता हुआ और उस कुत्ते का एहसान कुत्ते की जिंस से अदा करा दिया। तो भाई अल्लाह ताला के राज है, अल्लाह की भेद है। असल चीज जो है ना, वो इंसान के लिए तवाज़ो है, आजिज़ी है, इंकिसारी है। और इसकी जिद क्या है? इसकी जिद तकब्बुर है। तवाज़ो की जो जिद है वो तकब्बुर है। अगर आजिज़ी और तवाज़ो इंसान के अंदर नहीं होती तो तकब्बुर होता है, और तकब्बुर उम्मुल अमराज है, तमाम खराबियों की जड़ है। जितनी खराबियां इंसान के अंदर जन्म लेती है उसका सबब तकब्बुर और बड़ाई होता है। इसलिए अल्लाह के इस दरबार में बैठकर, इस माह रमजान में, इस हालत एतकाफ में, भाई हमें यहां से तवाज़ो को लेकर जाना है, आजिजी को लेकर जाना है, इस अना को यहां से मिटाकर जाना है। वरना इस अना की जो लहरें ना इंसान के अंदर मुख्तलिफ उनवान से उठती है। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा किसी शहर में सफर पर थे, देखा कि एक नवाब साहब बैत होने के लिए आए, लेकिन इस शान के साथ आए कि खादिम के सर पर मिठाई का टोकरा रखवा कर लाए और बैत होने के लिए आए। तो हजरत ने देखा, समझ गए, पूछा कि जी नवाब साहब किस लिए आना हुआ? कहा कि बैत होने के लिए आया हूं, बैत फरमा लीजिए। फरमाया कि बहुत अच्छा, आप ये मिठाई का टोकरा रखवा दीजिए, इस मुलाजिम को फारिग कर दीजिए और मैं अपने काम से फारिग होता हूं तो फिर आपको बैत करता हूं। अब खादिम को फारिग कर दिया, वो बैठ गए, हजरत अपने काम में मशगूल हो गए। जब काम से फारिग हुए तो कहा कि नवाब साहब यहां तो मुझे फुर्सत मिली नहीं, अब मुझे किसी और मकान पर जाना है, मैं वहां जाकर आपको बैत करूंगा, आप ये मिठाई का टोकरा उठा लीजिए, मेरे साथ चलिए। वहां जाकर भी हजरत काम काज में मशगूल हुए और फिर फरमाया कि मुझे यहां भी मौका नहीं मिला, अब मुझे फला जगह जाना है, आप मेरे साथ चलिए, वहां जाकर आपको बैत करूंगा। और दानिश्ता जो है बाजारों से निकले, बाजारों से गुजर कर फिर एक जगह पर जाकर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बैत किया। लेकिन एक बात हजरत ने फरमाई, फरमाया कि नवाब साहब ये मत सोचना कि जी अच्छा बैत होने के लिए आया कि मिठाई का टोकरा उठाकर पीछे पीछे घूम रहा था। फरमाया कि वो रजीला जो बरसों के मुजाहिदे से ना निकलता, इस थोड़ी सी जिल्लत से वो निकल गया, थोड़ी सी जिल्लत से वो निकल गया। तो इसलिए भाई असल चीज तवाज़ो है, आजिज़ी है, इंतिसारी है। आज मुआशरे के अंदर जो फसाद है ना, घर घर के अंदर फसाद है, ना चाकी है, ना इत्तेफाकी है, भाई भाई से जुदा है, बेटा बाप से जुदा है, उसका सबब क्या है? तकब्बुर है, इस्तिकबार है, ये अदब बर्दाश्त है कि छोटा अपने बड़े की बात सुनने के लिए आमादा नहीं। क्यों आमादा नहीं? इसलिए कि अपने बड़े से अपने को बड़ा समझता है और बड़े को छोटा समझता है, बड़े की बात का उसे बुरा लगता है।
अपने बड़ों की कदरदानी दिल के अंदर नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारा बाप हमें कुछ कहता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है कि ये हमें क्यों कहते हैं। तो मैं यह अर्ज करता हूं कि भाई अपनी थोड़ी सोच का जो जाविया है ना, सोच और फिक्र का जाविया, इसको तब्दील कर लो। ये मत सोचो कि ये हमारा बाप हमसे क्यों कहता है, बल्कि इसको सोच को तब्दील करो, ये सोचा करो कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे कोई कहने वाला तो मौजूद है, मेरे सर पे मेरे बाप का साया मौजूद है, कितना मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे कोई कहने वाला मौजूद है। वरना ऐसे भी तो है ना जिनको कोई कहने वाला नहीं। तो बड़ा अगर कह रहा है, उसके मंशा को पहचानना चाहिए कि उसका मंशा क्या है। उसका मंशा आपकी दुरुस्ती है, आपकी इसलाह है, उसके दिल में एक हमदर्दी है, एक खैरख्वाही है, वो आपको दुरुस्त देखना चाहता है। और जिस गलती पर आपकी नजर नहीं है उस गलती पर उसकी नजर है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो गलती आपके अंदर मौजूद हो। हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह एक बात फरमाया करते थे, हजरत फरमाया करते थे कि अगर कोई शख्स जिसका मुझसे ताल्लुक ना हो, और इसमें बड़ी नसीहत है इस बात के अंदर कि जिसका मुझसे ताल्लुक ना हो उसके अंदर अगर 99 खराबियां हो और एक खूबी हो, 99 खराबियां हो और एक खूबी हो, तो मेरी नजर उसकी 99 खराबियों पर नहीं होती, एक खूबी पर होती है। ये खूबी तो उसके अंदर है। और फरमाया कि जिसका ताल्लुक मुझसे है, बैत का, इस्लाह का, तरबियत का, उसमें अगर 99 अच्छाइयां होती हैं, 99 खूबियां होती हैं और एक खामी उसके अंदर होती है, तो मेरी नजर उसकी 99 खूबियों पर नहीं होती, मेरी नजर उसकी एक खामी पर होती है। ये खराबी भी उसके अंदर क्यों? अब इसका मंशा क्या है? खैरख्वाही है। तो बाप अगर किसी बाप पे डांटता है, बाप अगर कोई रोक टोक करता है, उसका मंशा खैरख्वाही होती है, लेकिन औलाद की समझ में ये बात नहीं आती, वो बाप को दुश्मन समझने लगते हैं। और ये दुश्मन समझना अलामत किस बात की है? कि इसके अंदर तकब्बुर है, बड़ाई है, ये इस्तिकबार है, और ये इस्तिकबार इसे बर्बाद कर रहा है। इसलिए कभी अपने बड़े की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, और कभी अपने को अपने बड़ों से मुस्तगनी नहीं समझना चाहिए। जो काम करे अपने बड़े से पूछ कर करे, अपने बड़ों के मशवरे से करे, अपने बड़ों की इजाजत से करे, उनकी दुआ से करे, फिर देखे अल्लाह कैसी कामयाबी अता करता है। हमारे शेख हजरत मसीह उम्मत नबर अल्लाह बरकतहु फरमाया करते थे कि एक तालिब और सालिक के लिए वो दिन बर्बादी और हलाकत का दिन है जिस दिन वो ये समझे कि मुझे अपने शेख की जरूरत नहीं, बेटा ये समझे कि मुझे अपने बाप की जरूरत नहीं, वो दिन उसके लिए बर्बादी का दिन। कैसे अपने बड़ों से मुस्तगनी हो सकता है? तो कभी अपने आप को अपने बड़ों से मुस्तगनी नहीं समझना चाहिए, और ना कभी अपने बड़ों को बोझ समझना चाहिए। बड़े बोझ नहीं होते, बड़े अल्लाह की रहमत होते हैं, ये रहमत वाले साए होते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए, इनकी दुआएं लेनी चाहिए। इस आर और इस्तिकबार को अपने अंदर से निकालना चाहिए। आज घर घर के अंदर ये फसाद मौजूद है। सबसे ज्यादा अगर दुखी घरों के अंदर है वो वालिदैन दुखी है कि औलाद नाफरमान है, औलाद कहना नहीं मानती। और औलाद कहना क्यों नहीं मानती? कि तो अनाह के पुजारी, तकब्बुर में डूबे हुए, उनको परवाह ही नहीं मां बाप की। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी किस डगर पर गुजर रही है। हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तवाज़ो का वाकया। एक मरतबा माह रमजान का महीना था, और रमजान के महीने में बड़े बड़े खुलफा, बड़े बड़े मशाहिर उलमा हजरत की खानकाह में माह रमजान गुजारने के लिए आते थे, जिक्र व फिक्र के साथ वक्त गुजारते थे। और वहां भी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि खानकाह के मुकीमीन में, जो खानकाह में क्याम करने वाले हैं, मेरी नजर इस पर नहीं होती कि कौन कितना जिक्र कर रहा है, कितनी तस्बीहात पढ़ रहा है, कितनी रकत तहज्जुद की पढ़ रहा है, कितनी तिलावत कर रहा है, मेरी नजर इस पर नहीं होती। मेरी नजर तो इस पर होती है इसकी जात से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही, ये खल्के खुदा के हक में मूजी बना हुआ तो नहीं है,
क्योंकि बहुत से लोग जिक्र अस्कार तो कर लेते हैं लेकिन उस जिक्र अस्कार का जो असर उनकी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आता। एक तरफ वो तस्वीर भी चला रहा है, जिक्र भी कर रहा है और दूसरों के लिए मूजी भी बना हुआ है, दूसरों से हसद भी रखता है, बोझ भी रखता है, कीना भी रखता है। डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरफी नबर अल्लाह बरखदाहू, हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलफा में से हुए कराची में। एक मुरीद ने कहा कि हजरत आपकी बरकत से, आपकी दुआ से 12 तस्बीह का जिक्र पाबंदी से हो रहा है। अल्लाह वालों की नजर वही बात ना इस पर नहीं होती कि जिक्र पाबंदी से हो रहा है। हजरत ने फौरन ये सवाल किया कि अरे भाई ये 13 तस्बीह का जो जिक्र कर रहे हो ये दिन के 12 घंटे में नजर आता है या नहीं आता, यानी तुम्हारे मामलात कैसे हैं, तुम्हारी मुआशरत कैसी है, तुम्हारे अखलाक कैसे हैं, इस जिक्र के असरात तो जिंदगी में मौजूद है या नहीं, यह खाली जबान पर जिक्र है, दिल के अंदर कुछ भी नहीं। क्योंकि इस जिक्र का मंशा भी यही है कि इंसान के दिल के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, तवाजो आनी चाहिए, अल्लाह का इस्तेहजार आना चाहिए। और अपना अल्लाह की बड़ाई का जब इस्तेहजार हो तो फिर अपने छोटे होने का इस्तेहजार, अपने फना का इस्तेहजार हो। तो रमजान का महीना, मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह, बड़े बड़े मशाहिर उलमा मौजूद। उस वक्त हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने एक बात फरमाई, फरमाया कि मैं अपने आप को किसी मुसलमान से, मैं अपने आप को किसी मुसलमान से, हत्ता के उन मुसलमानों से भी जिनको लोग फुसाक फुजार समझते हैं, फिलहाल और कुफार से भी एहतमालन फिल माल अफजल नहीं समझता। यानी क्या फरमाया कि तमाम मुसलमानों में, हत्ता के वो मुसलमान भी कि जिनको लोग कहते हैं जी बड़े फासिक फाजिर हैं, बड़े गुनहगार हैं, तो फरमाया कि ऐसे लोगों से भी फिलहाल और कुफार से फिल माल कि काफिर आइंदा चलकर अगर ईमान ले आए, फरमाया कि मैं एहतमालन अपने को अफजल नहीं समझता, अफजल नहीं समझता। और फरमाया कि कितने बड़े शख्स हैं मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनकी 2000 से ज्यादा तसनीफात और तालीफात है, कितना बड़ा दीन की खिदमत का काम किया है, अपने जमाने का मुजद्दिद है। और खुद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे मुआशरत का मुजद्दिद बनाकर भेजा है। लेकिन तवाज़ो की क्या कैफियत है कि अगर काफिर भी ईमान ले आए तो भाई वो भी मुझसे अच्छा है, अपने अफजल होने का कोई दावा नहीं है। फिर अगली बात फरमाई कि आखरत में दरजात हासिल होने का कभी वसवसा भी नहीं होता, आखरत में दरजात हासिल, जन्नत में दरजात हासिल होने का कभी वसवसा भी नहीं होता, क्योंकि दरजात तो बड़े लोगों को हासिल होते हैं, दरजात तो बड़े लोगों को हासिल होंगे, तो कभी यह वसवसा नहीं आता कि मुझे जन्नत में कोई आला दर्जा मिलना चाहिए, मुझे तो जन्नतियों की जूतियों में जगह मिल जाए तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है, अहले जन्नत की सफ़े निहाल में जगह मिल जाए तो फरमाया कि ये अल्लाह की बड़ी रहमत है। और फरमाया कि इससे ज्यादा की हवस नहीं होती, इससे ज्यादा की हवस नहीं होती, और इतनी हवस भी, इतनी तमन्ना भी कि जन्नतियों की जूतियों में जगह मिल जाए, इतनी हवस भी बर बिनाए इस्तेहकाक नहीं कि मेरा कोई हक है कि जन्नत में मुझे जगह मिल जाए, बर बिनाए इस्तेहकाक नहीं, बल्कि इसलिए कि दोजख के अजाब का तहम्मुल नहीं है, इसलिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह अहले जन्नत की सफ़े निहाल ही में जगह अता फरमा देना। ये हमारे अकाबिर थे, ये हमारे बड़े थे, जिनके हम नाम लेवा हैं, जिनकी निस्बतों से हम यहां पर बैठे हुए हैं। तो भाई सारा सबक, सबका खुलासा यही है, इस अना को अपने से निकालना है। और ये कल से ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें यहां पर रहते हुए सिर्फ कोई वक्त को पास नहीं करना, खुद भी पास होने की कोशिश करनी है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ना कि लोग कहते हैं
रोजा रखकर कहीं बैठे गपशप लगाई, भाई ये गपशप क्यों लगा रहे जी, वक्त पास हो रहा है, वक्त पास हो रहा है। तो फरमाते थे कि वक्त तो पास हो रहा है लेकिन खुद फेल हो रहे हो। अरे वक्त पास होने के साथ साथ कोई ऐसा काम करो कि खुद भी पास हो जाओ, ये नहीं कि वक्त तो पास हो जाए और खुद फेल हो जाओ, ये तो खसारे का सौदा है ना। तो इसलिए हमें इस वक्त को कीमती बनाना है और सोच कर अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी है कि आज तक हमारा रवैया, हमारा बर्ताव हमारे घर वालों के साथ कैसा है, वालिदैन के साथ हमारा बर्ताव कैसा है, बीवी के साथ हमारा बर्ताव कैसा है, पड़ोसियों के साथ हमारा बर्ताव कैसा है। हमें इस बात का जायजा लेना चाहिए और जायजा लेकर फिर हमें अपने आप का तायुन करना चाहिए कि अल्लाह की मखलूक के साथ जब मेरा ये रवैया है फिर अल्लाह के नजदीक मेरा क्या हाल होगा, अल्लाह की नजरों के अंदर मैं कैसा होऊंगा। हकीम उल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बात और फरमाते थे, हजरत फरमाते थे कि आज हमारी नजर इस चीज पर होती है और हम इस चीज के मुतलाशी होते हैं, बड़े मुतमन्नी होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लोगों की हमारे बारे में क्या राय है, या मैं लोगों की नजर में कैसा हूं, क्या लोगों के कमेंट्स, क्या तासुरात। और आजकल का तो जमाना भी ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो आदमी वैसे लाइक्स और कमेंट्स उस चक्कर में पड़ा हुआ है, एक मसनूई दुनिया है उसके अंदर अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है और मसनूई चीजों से वो खुश हो रहा है। कोई अगर ये पूछे कि भाई अगर तुम्हें कहीं पे लाइक्स मिल गए, कमेंट्स मिल गए और तुम्हारी सब्सक्रिप्शन अगर बढ़ गई, फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, क्या कोई आखिरत का दर्जा तुम्हें मिल गया, कोई अल्लाह की कुर्ब की कोई सनत तुम्हें मिल गई, एक मसनूई चीज से खुश होते हैं। तो मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कब तक मखलूक के अंदर फंसे रहोगे और कब तक ये देखते रहोगे कि लोगों की नजर में मैं कैसा हूं और लोगों के मेरे बारे में तासुरात कैसे हैं। फरमाया कि मखलूक से खालिक की तरफ सफर कब शुरू होगा, मखलूक से खालिक की तरफ सफर कब शुरू होगा, अभी तो मखलूक के अंदर उलझे हुए हो। फरमाया कि ये सोचा करो कि लोगों की नजर में मैं कैसा हूं, ये नहीं, ये सोचा करो अल्लाह की नजर में मैं कैसा हूं, अल्लाह की नजर में मैं कैसा हूं। तो आज अगर हम इस एतकाफ में, तन्हाई में, खलवत में बैठ कर ये सोचें कि अल्लाह की नजर में मैं कैसा हूं, हकीकत सामने आ जाएगी और हमें जवाब मिल जाएगा कि अल्लाह की नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। क्यों? कि मैंने कोई ऐसा काम ही आज तक नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया कि अल्लाह की नजर में मेरी कोई अहमियत हो, और अगर नहीं किया तो अब कर लेना चाहिए। ये एतकाफ है, इसके अंदर शबे कदर की रातें हैं, एक रात तो गुजर चुकी, बाकी चार रातें और आने वाली हैं, तो हमें कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए अल्लाह की नजर करम, नजर इनायत हमारे हाल पर हो जाए। और याद रखिए कि उस वक्त तक अल्लाह की नजर करम, नजर इनायत नहीं होती जब तक इंसान इस दिल के अंदर इस तकबर और बड़ाई को नहीं निकालता और आजिजी इनकिसारी को पैदा नहीं करता। क्यों? अल्लाह हमारे दिलों को देखता है, अल्लाह हमारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह हमारे मालों को नहीं देखता, अल्लाह दिल को देखता है कि दिल में कितनी इनकिसारी है, आजिजी है, और ये दिल कितना झुका हुआ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस दिल को झुकाने वाला बना दे, और इस दिल में जो आर है, इस्तिकबार है, नफरत है, इकारत है, अल्लाह उसको दिलों से निकाल दे। अल्लाह ताला ऐसा माहौल बना दे, घरों का माहौल, मुआशरे का माहौल, कि जहां पे मोहब्बत हो, उल्फत हो, और एक ऐसी खैरख्वाही का जज्बा हो कि जिसमें हर आदमी दूसरे को अपने से अफजल समझे, हर आदमी दूसरे को इज्जत देने वाला हो, दूसरे का एहतराम करने वाला हो। ये नहीं कि मेरा तो एहतराम किया जाए और मैं किसी का एहतराम ना करूं, पहले दूसरों का अदब और एहतराम करना सीखिए, अल्लाह आपका भी अदब और एहतराम करा देगा। खाली अपनी जात तक अपने आप को महदूद ना रखो, बल्कि जो शख्स भी मुआशरे के अंदर है, आज होता है ना कि बहुत से लोग मुआशरे के अंदर ऐसे भी होते हैं कि बज़ाहिर उनका कोई इज्जत और एहतराम नहीं होता। और कभी याद रखिए कि किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी के साथ इस तरह छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज बहुत से लोग बेचारे मुआशरे के अंदर गिरे पड़े, जिनकी कोई इज्जत नहीं, एहतराम नहीं, लोग उन्हें सताते हैं,
اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہوتا, کسی محفل میں جاتے ہیں انہیں عزت کی جگہ پر نہیں بٹھایا جاتا, کئی رشتے کا پیغام دیتے ہیں ٹکرا دیا جاتا ہے, لیکن اللہ کے وہ ایسے مقرب ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے اللہ پر لازم ان کی قسم کا پورا کرے. تو کسی کو کمتر مت سمجھو, کس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمیں معلوم نہیں. اس لیے آسان سی بات یہ ہے, اللہ کی ساری مخلوق سے حسن ظن رکھو, نیک گمان رکھو, نیک گمان کہ بھائی سب مجھ سے اچھے, میں سب سے کمتر, میں سب سے گھٹیا, سب مجھ سے اچھے, اس میں ہمارا جاتا کیا ہے. بلکہ جب اس کی حقیقت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹائے, تواضع اختیار کرے, اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے. اور تواضع کی جو حقیقت ہے نا, تواضع کی حقیقت وہ خالی زبان سے اپنے کو کمتر سمجھ کہنا نہیں ہے. حقیر, فقیر, نکما, ناکارا, گنہگار, سیاہکار, خالی اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے. تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے اپنے کو کمتر سمجھے, دل سے, یعنی دل کے اندر یہ کیفیت ہو کہ میں سب سے کمتر, دوسرے مجھ سے افضل ہیں. اور مجدد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص زبان سے اپنی مذمت کر رہا ہے, اور خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے, امام الاولیاء ہیں خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ, فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجمع میں اپنی مذمت کر رہا ہے, میں نکما, میں ناکارا, میں نالائق, تو فرمایا کہ یہ بھی تکبر کا شعبہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ جی بڑا مٹا ہوا ہے, بڑی اس کے اندر تواضع ہے. تو یہ تکبر بصورت تواضع ہے, تکبر ہے بصورت تواضع ہے کہ مجمع کے اندر اپنی مذمت کر رہا ہے, اپنے کو برا کہہ رہا ہے. نہیں, مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے کو یوں کہے کہ میں نکما, ناکارا, نالائق, اور کوئی کہہ دے کہ ہاں واقعی تم ایسے ہو, تم نکمے ہو, ناکارا ہو, تو پھر اس وقت اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لے, اس کہنے کا برا لگا یا نہیں لگا. اگر برا لگا تو پھر تواضع کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے, کیونکہ متواضع جو ہوتا ہے کسی کے کہنے کا اسے برا نہیں لگا کرتا. اور یہاں تو بات بات پہ برا لگتا ہے, بات بات پہ برا لگتا ہے کہ بیوی نے کوئی بات کہی تو برا لگ گیا, غصے میں آپے سے باہر. یعنی ایسے ایسے بھی جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا کہ صبح ناشتہ بننے میں دیر ہو گئی اور شوہر صاحب کو دفتر جانا تھا ڈیوٹی پر, تو غصہ آیا, جذبات, غصہ کہ تین طلاق دے دی بیوی کو, تین طلاق دے دی کہ ناشتہ وقت پہ نہیں ملا. اب اندازہ لگائیے, ارے بھائی اس کی بھی تو مجبوری ہوگی, سارے گھر کا نظام وہ سنبھالتی ہے, بچوں کو وہ دیکھتی ہے, گھر کو وہ دیکھتی ہے, خالی اولاد کا پالنا کتنا مشکل کام ہے. کہ اگر مرد کے ذمے اولاد کی پرورش دے دی جائے مرد پاگل ہو جائے, یہ عورت کا ظرف ہے کہ بچوں کو پال لیتی ہے, کہ چار بچے چار کے الگ الگ مزاج, لیکن ہر ایک کے مزاج کے مطابق ان سے برتاؤ کرتی ہے. کتنی بڑی اس کی قربانی ہے. اور مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے علاقے کی جو خواتین ہیں یہ تو جنتی ہیں, یہ ہمارے گھر کی چوکی دارن بھی ہے, یہ ہماری باورچن بھی ہے, یہ ہمارے گھر کی دھوبی بھی ہے, یہ بچوں کو پالنے والی آیا بھی ہے, سارے کام تو یہ کرتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر سارے کاموں کے لیے الگ الگ اس کے لیے ملازم رکھے جائیں تو کتنا خرچہ ہوگا. پھر بیوی سے شکایت ہے, پھر بیوی سے لڑنا ہے, کس لیے؟ کہ تکبر ہے, عار ہے, دماغوں کے اندر تکبر گھسا ہوا ہے, بڑائی گھسی ہوئی ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, لیکن دل اللہ کے سامنے نہیں جھکتے. اگر دل اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں تو کبھی یہ فساد پیدا نہ ہو. کہ اللہ کی نظر دلوں پر ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے, کہ نماز کی حالت میں سجدے میں سر تو رکھ دیا لیکن دل کو نہ جھکایا, دل کو نہ بدلا. سوچنا چاہیے ہمارے رویے, ہمارے برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں. اللہ ہمیں تواضع کی حقیقت عطا فرما دے, اور وہ حقیقت یہی ہے بھائی دل سے اپنے کو کمتر سمجھنا, دل سے کمتر سمجھنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور جس نے اس حقیقت کو پا لیا, کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا
کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد جس کو یہ بات حاصل ہو گئی کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا پر میں اسے سب کچھ حاصل ہو گیا، سب کچھ حاصل ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے متواضع بندوں میں سے بنا دے، یہ عاجزی ان کے ساری اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آر کو استکبار کو اللہ دلوں سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ادائے حقوق اور حفظ حدود کی توفیق عطا فرمائے، اور گھروں کے ماحول کو اللہ جنت کا نمونہ بنائے، اس نفرت اور عداوت کو اللہ دلوں سے نکال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس مقصد اعتکاف میں ہمیں کامیاب فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں نرمی عاجزی زاری پیدا فرما، اپنی رضا کے لیے یا اللہ مٹنا نصیب فرما. اے اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، خلق خدا کے حق میں ہمیں راحت رسا بنا، اذیت رسانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اعضا کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، محتاجی معذوری سے یا اللہ بچا کر رکھنا. یا اللہ اس در کا اس گھر کا ادب کرنے والا بنا. اے اللہ اس گھر میں جو خیر و برکت ہے، انوار و تجلیات ہیں، اے اللہ وہ ہمیں وافر عطا فرما، ہمارے قلوب کو یا اللہ معمور و منور فرما، مزین فرما. یا اللہ یہاں کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی یا اللہ معتکفین بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کے اعتکافوں کو قبول فرما، سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی تراوی کو قبول فرما. اور یا اللہ جس کا روزہ تراوی اعتکاف جس کی مناجات آپ کو پسند ہے، اے اللہ اس کے صدقے میں ہمارے بھی اعتکاف کو قبول فرما، ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما، ہم میں سے کسی کو بھی یا اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اہل غزہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کی ضروریات زندگی کو از غیب پورا فرما. اے اللہ ان کا لباس، خوراک، ادویات،
ضروریات زندگی یا اللہ غیب سے انہیں مہیا فرما، اس کی رسائی ان تک آسان فرما، یا اللہ ان مجاہدین کو فتح و کامیابی عطا فرما، یا اللہ انہیں غلبہ عطا فرما، ان کے ہمت اور حوصلوں کو بلند فرما، یا اللہ اس ماہ رمضان میں جیسے غزوہ بدر میں اے اللہ آپ کی مدد نازل ہوئی، اے اللہ اہل فلسطین کے لیے، اہل غزہ کے لیے، یا اللہ اپنی نصرت کو نازل فرما، ان ظالم اور غاصب یہود کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، بے نام و نشان فرما، اے اللہ انہیں نشان عبرت بنا، ان کے ناپاک وجود سے ارض مقدس کو، ارض انبیاء کو پاک فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ سب کی دستگیری فرما، سب کی مدد فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجز الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمین آمین برحمت۔ اعتکاف کے مسائل اور مناجات مقبول۔